Over here, the question is this: did I integrated rate law equation for zero order reaction? Suppose if we have one zero order reaction, a reactant to product, हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट है, बराबर। एंड फॉर दैट रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, सिंस इट इज जीरो ऑर्डर, कैन आई राइट लाइक दिस, के इन टू आर रेस्ट टू जीरो, करेक्ट और नॉट? ओके, एनीथिंग रेस्ट टू जीरो इज वन, सो दैट मींस ये पार्ट क्या हो जाएगा, के। एंड रेट को कैन आई राइट लाइक दिस, माइनस डी आर बाई डी टी, we had learned that part earlier, we can write minus dr by dt. Okay, now what will I do, I'll bring this dt ko samne leke aata hu, sath mein minus sign bhi is taraf leke aata hu, so because of that it becomes dr equals to minus k dt, correct or not? Now we have taking integration on both the sides, दोनों साइड अगर इंटीग्रेशन लेते हैं, सो वील गेट दिस इंटीग्रेशन ऑफ डी आर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के डी टी, एंड वी हैड ऑलरेडी लर्न इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज ऑलवेज एक्स प्लस सी, वेर एक्स इज वेरिएबल एंड सी इज इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, we know about that, correct or not? ये आप लोग सीखे हुए हैं। So integration of dr क्या बनेगा? I'm sorry, integration of dr बनेगा r, integration of k dt, k constant है तो बाहर निकलेगा, so minus kt and c, दोनों साइड पे actually constant होता है, but दोनों का constant मिला के मैंने एक ही constant बना दिया, correct or not? Are you following this part? Yes or no? Does anyone have any doubt? So please raise your hand. Are you following till here? Okay. So, ये हमको मिला. R equals to minus kt plus c. Now, हमको somehow इसकी value find करनी है. C की value. किसकी value find करनी है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? We know this. जब time t zero होता है, जब हमने reaction को शुरुआत किया, at the beginning. उस टाइम पे जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर जीरो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? ओके, जब शुरुआत करते हैं एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू क्या होगा? आर जीरो। लेट मी सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, सो आर की जगह पे मैं क्या डालूंगा? आर जीरो माइनस के इंटू टाइम जीरो प्लस सी, that means r0 equals to क्या मिला? c मिला आपको कि नहीं मिला? r0 equals to c, ये वैल्यू मैं c की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तब आपको मिलता है r equals to minus kt plus r0, correct or not? ये सुनो, आपको समझ में आया? तो हमारे पास जो इक्वेशन आया वही आया, आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर जीरो। इफ आई विल ब्रिंग के टी टूवर्ड्स दिस साइड एंड आर टू द अदर साइड, मैं आर को एक साइड पे लेके जाता हूं, के टी को इस तरफ लेके आता हूं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? के टी इक्वल्स टू आर जीरो माइनस आर, करेक्ट? उससे आपको दो नए फॉर्मूला मिलेंगे। अगर मैं के को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाता हूं, देन के इक्वल्स टू आर जीरो माइनस आर अपॉन टी, एंड अगर टी को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाता हूं,
देन टी इक्वल्स टू आर जीरो माइनस आर अपॉन के, ये सुनो करेक्ट। ओके हमारे लिए मेन इक्वेशन ये है, डिफरेंट है। ओके तो ये हो रहा है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो, सॉरी डेरिवेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या हो रहा है डेरिवेशन ऑफ, हमने काफी सारे फॉर्मूलास डिराइव कर दिए। अच्छा एक चीज जरा ध्यान से देखेंगे, मैं ये इक्वेशन को वापस लिख रहा हूं, आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर जीरो, कैन आई राइट लाइक दिस, इट वॉज वी हैव ऑलरेडी डिराइव दिस पार्ट। इसमें आप जरा ध्यान से देखोगे तो ये जो के है वो कांस्टेंट वैल्यू है, इट इज रेट कांस्टेंट। हम सुबह ही देख चुके हैं उसके बारे में, इट इज रेट कांस्टेंट। व्हाट अबाउट दिस आर जीरो, इज इट कांस्टेंट और वेरिएबल? इट इज कांस्टेंट। व्हाट इज आर जीरो? आप जब रिएक्शन चालू करते हो तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया? आप जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेते हो उसको क्या बोलते हैं? आर जीरो। तो कोई भी रिएक्शन के लिए आप जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टिंग का लगे वो तो फिक्स ही होगा ना। आपने रिएक्शन चालू किया तो 50 मोलारिटी से चालू किया, या तो 5 मोलारिटी से चालू किया, या तो 0.5, बट वो वैल्यू फिक्स्ड है। आर जीरो की वैल्यू हमेशा क्या रहती है? फिक्स्ड वैल्यू रहती है। सो आर जीरो इज कॉन्स्टेंट। आपके पास क्या क्या कॉन्स्टेंट है अभी? आर जीरो कॉन्स्टेंट है और के कॉन्स्टेंट है। इन अनदर वे टाइम इज वेरिएबल, टाइम कीप्स ऑन चेंजिंग, एंड टाइम चेंज होता है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर भी क्या होता रहेगा? चेंज। मतलब दो वेरिएबल है एंड दो कॉन्स्टेंट है। तो वैसा एक इक्वेशन मुझे याद आता है कि जो जिसके अंदर दो वेरिएबल है एंड दो कॉन्स्टेंट है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें वाई वर्टिकल वेरिएबल है, एक्स हॉरिजेंटल वेरिएबल है, सी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है। ये जो इक्वेशन मैंने लिखा इट रिप्रेजेंट्स एक ग्राफ के बारे में बात करता है। इट इज अ लीनियर इक्वेशन, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इट इज नोन एज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इट इज नोन एज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ऐसा होता है कि अगर आपके पास वर्टिकल एक्सिस पे अगर आप वाई लेते हो एंड हॉरिजेंटल एक्सिस पे एक्स लेते हो, तो जो आपको लाइन मिलती है यहां पे, जो लाइन आपको मिल रही है यहां पे, उसका स्लोप जो होगा, दैट स्लोप एम इज ओवर हियर। स्लोप क्या होगा? एम होगा। वर्टिकल एक्सिस पे आपको वाई वेरिएबल लेना है, हॉरिजेंटल एक्सिस पे आपको एक्स वेरिएबल लेना है, तो इसका स्लोप विल बी ऑलवेज इक्वल टू एम, और इसका ये जो इंटरसेप्ट है वाई इंटरसेप्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू सी, इज ऑलवेज इक्वल्स टू सी, बराबर। ये सीखा हुआ है हमने। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करता है तो वाई की जगह पे हम क्या ले सकते हैं? आर। मतलब वर्टिकल एक्सिस पे आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर लीजिए, हॉरिजेंटल एक्सिस पे आपको क्या मिलेगा? टाइम टी। देन जो स्लोप होगा एम, दैट स्लोप इक्वल्स टू आपको मिलेगा माइनस के, एंड जो इंटरसेप्ट है वो क्या मिलेगा? आर जीरो। तो हमारे पास जो जीरो ऑर्डर का हमने डेरिवेशन किया उसको हम ग्राफ के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ग्राफ के फॉर्म में। और ग्राफ के फॉर्म में बताता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर वर्सेस टी विल बी ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, इट विल बी ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन हैविंग इंटरसेप्ट इक्वल्स टू आर जीरो एंड स्लोप इक्वल्स टू माइनस के। आर यू फॉलोइंग दिस? ओके ये समझ में आया आपको? देन आगे देखेंगे। पक्का समझ में आया? अच्छा एक छोटा सा पॉइंट मैं बता देता हूं। ओके दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है? अगर कोई रिएक्शन आप शुरू करते हो तो उसका जो इनिशियल क्वांटिटी होता है, लेट्स से कि मैंने 50 मोल से कोई रिएक्शन चालू किया रिएक्टेंट का,
तो धीरे धीरे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा, 50 में से 45, 40, 30 लाइक दैट। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी क्वांटिटी ओरिजिनल क्वांटिटी से हाफ हो जाती है, 25 होगी। तो उसके लिए जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। क्या बोलते हैं? मतलब हमेशा याद रखना, जब टी इक्वल्स टू हाफ लाइफ पीरियड होगा, टी हाफ, टी इक्वल्स टू क्या होगा, टी हाफ, उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर जीरो होगा। ओरिजिनल का कॉन्सेंट्रेशन से कितना हो जाएगा, हाफ। अगर ये वैल्यू मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, देन टी हाफ इक्वल्स टू आर जीरो, और आर क्या होगा, हाफ आर जीरो अपॉन के, और टी हाफ इक्वल्स टू, अगर मैं इसको फाइनल करूंगा तो आपके पास बच जाएगा हाफ आर जीरो अपॉन के। ये मिला टी हाफ, ये क्या मिला आपको, टी हाफ इक्वल्स टू आर जीरो बाई टू के। टी हाफ क्या मिलेगा आपको, आर जीरो बाई टू के। उससे ये पता चलता है जितना आर जीरो ज्यादा उतना टी हाफ ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड जितना के ज्यादा उतना टी हाफ छोटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बराबर है कि नहीं?